और वो ये है अल्लाह आलमीन का फ़रमान है फ़क़द फ़ाज़ फ़क़ाज़फ़न अज़ीमा जो कोई भी इस दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की और उसके रसूल की इताअत करते हुए ज़िंदगी गुजारेगा वही कामयाब होगा लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में और उसके रसूल मोहम्मद वसल्लम की इताअत में इस कदर कमज़ोर क्यों हैं और रसूल की इताअत में हम इस कदर नाकाम क्यों नज़र आते हैं इसका सबसे बड़ा और अहम सबब ये है कि हमारे दिलों में जिस तरह अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए हमारे दिलों में जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए उस तरह मोहब्बत नहीं पाई जाती वरना अरबी का शेर है सादिकन ला साद्ला इलमहब अलम हब्बुम मुतीर आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी अताद करता है तुम्हारी अगर मोहब्बत सच्ची होती तो तुम उसकी अताात करते जिससे मोहब्बत करते हो तो आज के दर्स का मौजू है कि अल्लाह रबुलाम अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता है ये अगर हमें मालूम हो जाए कि अल्लाह हमसे किस क़दर मोहब्बत करता है अल्लाह रब्लमिन हम पर किस कदर मेहरबान है तो इन हमारे दिल में अल्लाह की एतायत का जज्बा पैदा होगा इससे मतलब एक हदीस पेश करूँगा जो सही बुखारी की पाँच हज़ार नौ सौ निन्यानवे नंबर की रवायत है रब हदीस अमर बिन ख़ाब रज़ील तब बयान करते हैं कदीम आ नबी अलैहि वसल्लम सबय अल्लाह के नबी सल वसम के पास कुछ कैदी आए गौर से सुनिएगा बहुत ही सबक आमोज़ वाक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए फम रात मीन सबी कहलुब सदिया तस्की उन कैदियों में एक औरत भी आई जिसका पिस्तान दूध से भरा हुआ था और जो दौड़ रही थी वत सभी फिस अखदत हो फलसत हो बिबत नहा वात हो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास जो कैदी आए उन क़ैदियों में एक औरत भी आई जब वो औरत आई उसने उन कैदियों की भीड़ में देखा तो उसको अपना बच्चा नज़र आ गया उसने तो बच्चे को देखा तो उसको अपने सीने से चिमटा लिया अपने सीने से लगा लिया वर्जायत हु और उसको फौरन उसने दूध पिलाना शुरू कर दिया जैसे किसी औरत का शीर बच्चा गायब हो जाए दो चार घंटे के लिए दो चार दिन के लिए माँ कैसी तड़पी है उसकी मोहब्बत में उसकी जुदाई से किस कदर वो गमनाक हो जाती है किस कदर वो रंजीदा खातिर हो जाती है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है दिन का चैन और करार खत्म हो जाता है माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने शीर बच्चे से इसीलिए अल्लाह आलमीन ने क्यामत की हौलनाकी का तस्करा करते हुए फरमाया क्यामत का दिन इतना हौलनाक होगा कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी उसको ख्याल ही नहीं आएगा मेरा बच्चा कहाँ है कोई औरत हो बीमार हो हस्पताल में बेहोशी के आलम में हो जब उस औरत को बाहसीियत जो माँ है जिसके पास एक शीर ख़ार बच्चा है जब उसकी आँख खुलती है जब उसको होश आता है सबसे पहले किसके बारे में पूछती है मेरा बच्चा कहां गया मेरा नूर नजर किधर है मेरा लगती जिगर किधर है सबसे पहले अगर वो किसी रिश्तेदार के बारे में पूछती है तो अपने बच्चे के बारे में पूछती है जो उसके सीने से लगा हुआ था सीने से चिमटा हुआ था बेहोशी के आलम में थी होश आने के बाद अपने बच्चे के बारे में वो पूछती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जमाने का जो ये वाक़ा है कि उस औरत ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया और उसको उसने दूध पिलाना शुरू कर दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम से पूछा फकाल लनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल लनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तरौन हाजी तारिहतन वलदहा फिन्नार ऐ मेरे सहाबा बताओ ये माँ अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है ये माँ अपने बच्चे से किस कदर प्यार करती है भला बताओ कि क्या ये माँ कभी भी अपने बच्चे को आग में डाल सकती है ये माँ कभी अपने बच्चे को आग में डाल सकती है साहब इक्राम कहते हमने जवाब दिया अल्लाह के पैगंबर ये माँ कभी भी अपने बच्चे को आग में डाल नहीं सकती जब तक ताकत है बचा करके रखेगी खुद आग की लपट बर्दाश्त कर लेगी दुनिया की परेशानियों को झेल लेगी लेकिन बच्चे पर आंच नहीं आने देगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लल्लाहु अरहमु बिعبadihi मिन हादीही बिवलादिहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया अल्लाह की मोहब्बत के बारे में सुन लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से इस माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है ये माँ जितना अपने बच्चे से प्यार करती है ये माँ अपने बच्चे से जितना मोहब्बत करती है उससे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करता है मेरे भाइयों ये अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई जिससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है अच्छे बंदे जो नेक बंदे होते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन गुनहगारों से भी मोहब्बत करता है सियाकारों से भी मोहब्बत करता है नाफरमानों से भी मोहब्बत करता है सुर जुमर आलमीन ने क्या फरमाया कुल या अला अनफुसहिम ला मिन उमिर रहम्ला मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज्यादा किए गुनाह करते करते अपने नफ्सों पर जुल्म कर दिया है ला तकन मिन उमिर किन बंदों को अल्लाह खिताब कर रहा है जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज्यादा किए गुनाहों पर गुनाह करते गए गुनाहों का पूरा बोझ लाद करके घूम रहे हैं उन बंदों को अल्लाह अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है ला तक रहमत अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के देखो तो अल्लाह मखरली कहकर देखो रब्बना जलम फुसना की दुआ पढ़ करके देखो अल्लाह रबुलमी तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्शेगा वो बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है तो इस आयत करीमा से बात साबित होती है कि अल्लाह अपने गुनहगार बंदों से भी मोहब्बत करता है उनको करीब करना चाहता कभी रमज़ान के महीने का मौका देकर कभी जो है अशरे जिलहिज का मौका देकर कभी किसी और के जरिया नेकियों का आफर देकर अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे जन्नत के रास्ते पे चलें अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने इसीलिए पैदा कि अल अबुलकुम अयुम अहसन अमला ताकि तुम में से अल्लाह रब्बुल रब्बालमी ने देखे कि तुम में से अच्छे, अच्छे अमल करने वाला कौन है अल्लाह ने इसी पैदा किया ताकि आजमाए कि तुम में अच्छे से अच्छा अमल कौन करने वाला नेकियों में सबकत करने वाला कौन है तो इस हदीस में इस सवाल का जवाब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता है जवाब क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है क्योंकि मोहब्बत की जो अला तरीन मिसाल है उससे भी आगे मोहम्मद ने बयान फरमाया कि जितनी मोहब्बत माँ अपने शीर बच्चे से करती है ना उससे ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है मां की मोहब्बत दुनिया में सबसे अहम मानी जाती है सबसे अजीम मानी जाती है सदी से जवाब भी मिलता है कि अल्लाह रब्बुल रबालमीन दुनिया की माँओं से ज्यादा जितनी दुनिया की माएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं उससे ज्यादा अल्लाह तला अपने बंदों से मोहब्बत करता है हमें अल्लाह रबुल आलमीन की मोहब्बत की कदर करनी चाहिए कितना गुनाह करते हैं कितनी नाफरमानी करते हैं कितने बार अहदो पैमान को तोड़ते हैं तोबा करके फिर गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं लेकिन अल्लाह रोजी दे रहा है खिला रहा है नेमतों से नमाज रहा है जो अल्लाह को मानता है उसको अल्लाह भी रोज़ी देता जो नहीं मानता उसको भी अल्लाह रोजी देता जो अल्लाह की शान में गुस्साखिया करता उसको भी अल्लाह रोजी देता है जो अल्लाह की इबादत करता अल्लाह उसको भी रोजी देता है अल्लाह ताला अपने बंदों से उस माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता जिस माँ ने उस बच्चे को चिमटा करके दूध पिलाना शुरू कर दिया इस हदीस से चंद अहम बातें मालूम हुई पहली बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है वह अपने बंदों के लिए भलाई चाहता अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम में डालना ही नहीं चाहता यह बात भी क्लियर है सूरह निसा में अल्लाह आलमीन ने फरमाया अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अल्लाह ने तुमको पैदा किया है माओ से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा इन शकर अगर तुम शुक्रगुजार बनकर जिंदगी गुजारो ईमान के साथ जिंदगी गुजारो अल्लाह तुमको अजाब देना नहीं चाहता अल्लाह रब्बुल रबालमीन शुक्रगुजार बंदों की कदर करने वाला है उनको उनकी शुक्रगुजारी का बदला देने वाला है और इसी तरह से एक दूसरी आयत थे सुर जुमर की जिसमें बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन, इन अगर तुम कुफ्र करते हो ना तो यह अल्लाह को पसंद नहीं है अगर तुम अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है वला लि और अल्लाह तेने बंदों की कुफ्र से राजी नहीं है अल्लाह नहीं चाहता कि तुम कुफ्र करके जहनम में जाओ अल्लाह नहीं चाहता तुम शिर करके जहनम में चले जाओ अल्लाह रब्लम ने आगे फरमाया वह इन तस्करू युम और अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला बंदों की नेकियों से अच्छे अमाल से खुश होता है राज़ी होता है गुनाहों से नाराज़ होता है गुनाहों को पसंद नहीं करता क्योंकि गुनाह इंसान को कहाँ ले जाने वाले हैं जहन्नम के अंदर ले जाने वाले हैं दूसरी बात यह मालूम हुई कि तालीम और तरबियत के लिए पेश आमदा वाकयात से इस्तेदलाल करके लोगों को समझाना चाहिए अल्लाह के नबी वसल्लम के सामने वाक़ जब पेश आया माँ और बच्चे की मोहब्बत का वाक़ तो आपने अल्लाह तो तो की मोहब्बत की मिसाल दे दी कि देखो जितनी ये, ये माँ अपने बच्चे से प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है जितनी ये माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है और तीसरी बात मालूम हुई कि जिंदगी के तमाम मसाइल में जिंदगी के तमाम मुश्किल में अपनी तमाम बातों को मुश्किल तरीन अमर को मुश्किल बातों को और मुश्किल मामलात को जो हल नहीं होते हैं अल्लाह ही की बारगाह में पेश करना चाहिए क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा हमसे कोई प्यार ही नहीं करता जितनी मोहब्बत अल्लाह हमसे करता है ना कायनात में कोई हमसे उतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता इसलिए तमाम मामलात में जहाँ भी हम फंसते हैं परेशानियों में मुसीबतों में अल्लाह मदद तलब करनी चाहिए वही हमारे मामलात को हल करने वाला है और चौथी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह रब्लम की रहमत उसके गजब पर गालिब है अल्लाह की जो रहमत है उसके गजब पर गालिब है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बालमीन के ग़ज़ब को भड़काने वाले गुनाहों से बचना चाहिए अल्लाह तहत मेहरबान है लेकिन अल्लाह ने भी फरमाए इन न बख्श और तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है अल्लाह पकड़ भी लेना कोई छोड़ा नहीं सकता इसलिए अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए और अल्लाह के गजब का खौफ भी होना चाहिए अल्लाह के अजाब का डर भी होना चाहिए अल्लाह रब्लम से दुआ है कि रब्लम हम तमाम मुसलमानों को सही मनुम में तोहीदीद को समझने की तोफ़ी अदा फरमा हमारे दिलों में अपनी हकीकी मोहब्बत पैदा फरमा ताकि हम तुझसे मोहब्बत करें जिस तरह तो अपने बंदों से मोहब्बत करता है अल्लाह बंदों को भी तोफ़ी दे कि वह तुझसे मोहब्बत करें तेरी अज़मत को शान को जाने और समझे और हम सबको तो अपनी इबादत की और बंदगी की तोफ़ी अदा फरमा महमदुर रसोल्ला वसलम के तरीक़े के मुताबिक की के साथ मौत ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियो देखने और मनहज -सलफ पर किताब की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन